तो आज आलू का पराठा बना रहे हैं। उसके लिए क्या क्या चाहिए मैं बता देती हूँ। ये 10-12 आलू है, मीडियम साइज के। हरा धनिया है, टमाटर है, ये मसाले वाली मिर्च है, ये 4 से 5 ले सकते हैं आप लोग। और ये तीखी मिर्च है, तीखी मिर्च आप स्वाद अनुसार लीजिए, ये कम तीखी होती है, इसे आप जितना डालेंगे उतना स्वाद बढ़ेगा। और हम एक हरी चटनी पीसेंगे कि पराठे के लिए, और इसके साथ एक हरी चटनी बनाएंगे। उसके लिए क्या लगेगा बता देती हूँ। 2 मीडियम हरा धनिया है, 10-12 लहसुन की कली है, ये तीखी वाली 2 हरी मिर्च है, मिर्च स्वाद अनुसार है। चलिए अब हम आलू को उबलने रखेंगे। हम कुकर में डाल के 1 सीटी लगाएंगे आलू को। आलू को मैंने उबाल लिया है, अब हम इसे छीलेंगे। आलू को हमें ज़्यादा नहीं उबालना है। ये देखिए आलू उबल गया है, इस तरह दबे ऐसे। आलू के पराठे के लिए इतना ही हमें आलू को गलाना है। यदि हम आलू ज़्यादा गला देंगे तो पराठे फट जाएंगे। ये देखिए ये पुराना आलू है, अभी नया आलू नहीं आया है, आ भी रहा है मार्केट में, लेकिन वो पराठों के लिए ठीक अच्छा नहीं है। ये देखिए मैंने छील लिया है इस तरह। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे मैश भी करने से पराठे बन जाएंगे, लेकिन पराठे फूलेंगे कम, क्योंकि ये जो आलू का ये टुकड़े हैं ये अच्छे से ऐसे मैश नहीं हो पाते। टाइम लगता है इस तरह मैश करने में। इसका सरल तरीका है, आप इस छलनी से मीडियम साइज छेद वाले से घिस लीजिए इस तरह। इसमें से आलू अच्छे से पराठे में भरेगा ज़्यादा। इससे मैं सारे आलू को घिस लूँगी और फिर मैं आलू का पराठा बनाऊँगी, तो आलू के पराठे फूले फूले बनेंगे और मिश्रण भी उसमें ज़्यादा भरेगा, आलू का पराठा फटेगा भी नहीं। और आलू के पराठे से आलू को किस लूँगी, उसके बाद ही इसमें धनिया और हरी मिर्च डालूँगी। हमने आलू को किस लिया है इस तरह। ये देखिए आलू किस गया है। अब इसमें हरी मिर्च मिलाएंगे जो हमने मसाले वाली काटी थी, मैंने इसको महीन महीन काट लिया है। ये देखिए अब धनिया डाल रही हूँ, धनिया पत्ती। अब हम मसाले डालेंगे, आधी चम्मच छोटी स्पून से आधी चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच नमक, नमक स्वाद अनुसार है। अभी मैं इसमें मिला नहीं रही हूँ, साइड में रख रही हूँ, क्योंकि आलू पानी छोड़ देगा जब हम बनाएंगे, हम तभी इसको मिक्स करेंगे नमक को। छोटी स्पून लाल मिर्च पाउडर, मिर्च स्वाद अनुसार है। आधी चम्मच से कम अमचूर पाउडर, आधी चम्मच चाट मसाला, आधी चम्मच सूखा धनिया। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, इन सभी को हम मिक्स कर लेंगे। मैंने तवा गैस पे रख दिया है, ये देखिए इसको स्लो कर देंगे, गैस की फ्लेम स्लो है। तवा चढ़ा दिया है, अब आलू का पराठा बेलेंगे। आलू के मिश्रण में मसाले मैंने सारे मिक्स कर लिए हैं, ये देखिए इसको इस तरह मिक्स कर लेना है मसाले, ताकि सभी आलू में अंदर तक चला जाए। मिक्स करने के बाद इसके पेड़े बना लेंगे। अब मैं आलू का पराठा मैंने रोटी अब आलू का मसाला लेंगे। अब इसे चारों तरफ से इस तरह बंद कर देंगे, दबा दबा के। मैंने देखिए कितना सारा मिश्रण लिया है। अब इसे हम हल्के हाथ से बेल लेंगे। अब हम इसे बेलेंगे,
आलू के पराठे को मैंने बेल लिया है, ये देखिए मैंने इतना पतला बेला है इसे, हमें पतला ही बेलना है। आलू के पराठे का स्वाद तभी अच्छा आएगा जब हम पतला बेलेंगे। चलिए अब हम इसे तवे पे डालते हैं। अब मैं पराठा डाल रही हूँ, ये देखिए मैंने पराठा डाल दिया है। मीडियम गैस रखेंगे, गैस की फ्लेम तेज़ नहीं करेंगे, मीडियम गैस पे हम आलू का पराठा बनाएंगे। अब इसे हल्का सा सिक जाने देंगे, तभी हम पलटेंगे जब एक तरफ से सिक जाएगा। ये एक तरफ से सिक गया है, अब इसे पलटेंगे। ये देखिए अब हम इसमें ऑयल लगाएंगे, मैं रिफाइंड ऑयल लगा रही हूँ। अब लगाएंगे अब इसमें ऑयल लगा रही हूँ फिर हम इसे पलटेंगे। ये देखिए पराठा फूलने लगा है, इस तरफ भी हम ऑयल लगाएंगे। ये देखिए ऑयल लगा दिया है, अब इसे दबा दबा कर। बेल के बताती हूँ, ये मैंने आटा ले लिया है, अब इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब इसे हम हल्का सा बेल लेंगे, ये देखिए मैंने इसे बेल लिया है। अब आलू का मिश्रण रखेंगे इसमें। आलू किसके बनाइएगा तो पराठा फटेगा नहीं। ये देखिए अब इसमें हम आटा लगा लेंगे, अब इसे हम हल्के हाथ से बेलेंगे। पराठे का साइज आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा रख सकते हैं, मैंने पतला ही बेला है। ये देखिए पराठा मैंने बेल लिया है, कहीं से फटा भी नहीं है। अब चलते हैं तवे की तरफ। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे, पराठा हमारा एक तरफ से सिक गया है, अब हम पलटेंगे। ये देखिए एक तरफ से हमारा पराठा सिक गया है, अब हम ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगा दिया है, अब हम पराठे को पलटेंगे। ऑयल आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक तरफ से पराठा सिक गया है, दूसरी तरफ पलटा रही हूँ। ये देखिए पराठा हमारा फूल गया है। इसी तरह हमें कुरकुरा पराठा सीखना है, आप जिस तरह कुरकुरा खाते हैं उस तरह आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा कुरकुरा खाते हैं इसलिए मैंने इससे ज़्यादा सीखा है, और पराठा अभी सीख गया है, अब हम इसे सर्व करेंगे। एक पराठा और सेक रही हूँ, ये देखिए
गैस की फ्लेम मीडियम है। अब हम इसे पलटेंगे। पराठा हमारा एक तरफ से सिक गया है, ऑयल लगा देंगे। ये देखिए आलू का पराठा सिक रहा है, अब इसे हम पलटेंगे। एक तरफ से सिक गया है, ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगा दिया है, अब इसे दूसरी तरफ पलटेंगे, दूसरी तरफ ऑयल लगाएंगे। अब हम पलटेंगे, एक तरफ हमारा सिक गया है, दूसरी तरफ से सेक लेंगे दबा दबा के। इसे दबा दबा के सेकेंगे तो ये कुरकुरा और अच्छा सिक जाएगा चारों तरफ से, कहीं से कच्चा नहीं रहेगा। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। ये देखिए सिक गया है, अब हम इसे सर्व करेंगे। पराठा रेडी हो गया है, अब इसे सर्व करेंगे। ये देखिए आलू का पराठा सिक गया है, मैंने चटनी के साथ सर्व किया है। ये देखिए मैं तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना भरा भरा हुआ है। ये देखिए इसे आप हरी चटनी के साथ सर्व करिए, हरी चटनी के साथ और भी टेस्टी लगता है। आप यदि दही के साथ खाएं तो ये और अच्छा लगेगा। इसे मक्खन दही चटनी किसी से भी आप खा सकते हैं। ये देखिए आलू का पराठा कितना भरा हुआ है। दोस्तों बनाइए, खाइए और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम हरी चटनी बना रहे हैं, उसके लिए क्या क्या चाहिए मैं बता देती हूँ। मैंने ये धनिया लिया है, एक गुच्छी दो गुच्छी। ये एक मसाले वाली मिर्च है, ये तीखी मिर्च है, इसे मैंने आधी लिया है। मेरे यहाँ तीखा कम खाते हैं, ये कम तीखी है। दो टमाटर लिए हैं मीडियम साइज के, लहसुन लिए हैं। अब हम इसे मिक्सी में पीसेंगे। आप चाहें तो इसे सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं। मिक्सी के जार में मैंने मिर्ची टमाटर को मैं महीन काट लूँगी, 10 से 12 लहसुन की कली है। नमक स्वाद अनुसार है। अब इन सबको हम मिक्सी में पीस लेंगे। हमें ज़्यादा महीन नहीं करना है, 2 बार मिक्सी को घुमाना है। मैं बताती हूँ किस तरह पीसना है। को भी मैं चाकू से काट के पीसूँगी। चलिए चलते हैं, चटनी बनाते हैं। देखिए मैंने टमाटर हरी मिर्च धनिया सबको मिक्सी के जार में काट के डाल दिया है। अब हम मिक्सी चलाएंगे। हमें इसे ज़्यादा महीन नहीं करना है। हाँ जो दोस्तों मसाले वाली मिर्च डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आता है चटनी का। आप देखिए अभी मैं पीस के दिखाती हूँ, चटनी का कलर और स्वाद बहुत दुगना बढ़ जाएगा मसाले वाली मिर्च डालेंगे तो। दो सेकंड चला के मिक्सी मैंने इसको पीसा है, देखते हैं खोल के। ये देखिए अब 1 सेकंड और चलाएंगे बस। अब हम मिक्सी बंद कर देंगे। ये देखिए चटनी मेरी पिस गई है। हमें इसी तरह से पीसना था, ज़्यादा महीन नहीं करना था।
हाथ से दिखाती हूँ। हमें इसी तरह से पीसना था। चटनी मेरी पिस गई है और कलर देखिए कितना प्यारा आया है, ग्रीन कलर। अब इसे सर्व करिए आप, रोटी पराठा किसी के भी साथ खाइए। चटनी रेडी हो गई दोस्तों, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए चटनी मेरी रेडी हो गई है, इसी तरह हमें पीसना था, इसे ज़्यादा महीन नहीं करना था। इसे मैंने 4 से 5 सेकंड मिक्सी में चलाया है। अरे यदि हम चटनी को ज़्यादा मिक्सी में पीसेंगे ज़्यादा देर के लिए तो चटनी का कलर ग्रीन नहीं रहेगा। ये देखिए दोस्तों, खाइए बनाइए, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।